अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हैंडफोन का एक डीसी चार्जर। मुझे बहुत से दुकान घूमना पड़ा इसके लिए, मुझे तो फ्लिप का पसंद था लेकिन मुझे नहीं मिला। खैर, ये भी कोई कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, 80 रुपये का मिला मुझे। फिर मैंने दो इसे ख़रीद लिया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे मांगा था। ये उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है तो उसने बोला एक डीसी चार्जर खोज ढूंढ के दो मुझे। तो ये कैसे काम करता है ये आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये चार्जर बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैंने अपना EMI फ़ोन जो 3S Prime बहुत से चार्जर में चार्ज किया लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। जैसे 78.05 में भी मैंने चार्ज करने की कोशिश की थी, थोड़ी देर होने के बाद 78.05 का ये ऐसे गर्म हो जाता है, उसके बाद कुछ अच्छा काम नहीं करता। और अपने मोबाइल में भी चार्ज उतना उठता नहीं, लेकिन इसमें चार्ज हो रहा है, इससे चार्ज उठ रही है। ये देखा देख के मुझे अच्छा लगा। इसमें जब 12 वोल्ट इनपुट करते हैं तो कितना वोल्ट आउटपुट होता है मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग कैसे काम करता है वो सो दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या है मैं वो दिखाऊंगा। एक 12 वोल्ट बैटरी लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। साधारण सा एक स्विच है ऑन ऑफ का, ऑफ कर देते हैं। मोबाइल पे लगा देते हैं, ये देखिए चार्ज उठ रही है। चार्जिंग शो कर रही है, देख ही सकते हैं। इस ऑफ का देखेंगे तो चार्ज ऑफ हो जाएगा, ये देखिए चार्जिंग ऑफ हो गई। अब चार्जिंग ऑन हो जाएगी, देखिए चार्जिंग ऑन हो गई। ये बहुत ही अच्छा है। और अब मैं इसको दिखाऊंगा कि अब वोल्टेज कितना जब वोल्टेज कितना अप डाउन करता है। तो मैं एक मल्टीमीटर ले लिया, बैटरी का सर हटा देता हूँ। 20 वोल्ट में सेट करेंगे क्योंकि 12 वोल्ट का काम है, 12 से 5, इसलिए 20 वोल्ट में सेट करेंगे। बैटरी का वोल्ट सबसे पहले चेक करेंगे हम, बैटरी का वोल्ट 11.78 है। उसके बाद इससे ऐसे ही लगा के हम चेक करेंगे, अब वोल्ट दिखा रहा है 5.95। कुछ अच्छा भी नहीं है कुछ बुरा भी नहीं है, 5.30 तक अच्छा ही होता है, लेकिन इसमें IC कंट्रोल की दिया गया है, जब मोबाइल लगाएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। मोबाइल लगाया, अब मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए इधर चार्ज भी हो रहा है और इधर देखिए वोल्टेज 4:44 दिखा रहा है, लेकिन इसमें चार्ज उठता है, कोई गर्म भी नहीं होता है कुछ, और चार्ज अच्छे से उठ जाता है। और इसके अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल इसे बंद करते हैं, बंद कर दिया, वोल्टेज डाउन हो गई। मोबाइल खोल दिया, मीटर ऑफ कर दिया। अब मैं इसे खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। इस मुझे इस पर 6 महीना गारंटी भी मिला है, लेकिन यहाँ कोई स्टिकर तो लगाया नहीं है जिससे पता चले कि मैंने खोला कि नहीं खोला। फिर भी देख लेते हैं, ये देखिए कुछ कंपोनेंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन जितना भी है कम का है, सिंपल सा है। इस IC के बारे में आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा बाद में, जब मैं इसे अच्छे से वेरीफाई कर लूँगा उसके बाद, पहले मुँह में तो कंफर्म हो जाऊँ इसके बारे में ज़्यादा कुछ जान लूँ, उसके बाद दे दूंगा मैं आपको। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा फास्ट चार्जिंग के लिए, जैसे आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करे तो।
ठीक है, आज का वीडियो में बस इतना ही, तुम रखते हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना या लाइक, या आपको वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।